निकाल। दोस्तों फाइनली अपने पावर स्टार पवन सिंह के नए गाने का टीजर आप सभी के बीच रिलीज कर दिया गया है, जिस गाने का नाम होने वाला है सिनूरा डाले से पहले। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस गाने के टीजर को रिलीज किया गया है वेद एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करें टीजर की तो बहुत ही छोटा सा टीजर आप सभी के बीच रिलीज किया गया है, जिसमें दोस्तों पावर स्टार के इस नए गाने की कुछ झलक देखने को मिलती है। दोस्तों ये तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस गाने का लिरिक्स किस तरीके का होने वाला है। हालांकि दोस्तों टीजर देख के लग रहा है कि इस गाने की वीडियो क्वालिटी काफी बेहतरीन होने वाली है। पावर स्टार की एंट्री इस गाने में एक बहुत ही स्टाइलिश कार से हो रही है। गाने में आप सभी को बता दें कि पवन सिंह के साथ संजना मिश्रा नजर आने वाली है और दोस्तों पावर स्टार का ये एक मगही सॉन्ग होने वाला है। दोस्तों गाने को लिखा है अमर अलबेला जी ने, वहीं दोस्तों इस गाने में म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह जी ने। और दोस्तों बात करें इस गाने की रिलीजिंग की तो टीजर तो आप सभी के बीच रिलीज हो ही चुका है। आप सभी को बता दें कि कल सुबह 6:30 बजे इस गाने का फुल वीडियो सॉन्ग आप सभी के बीच रिलीज किया जा रहा है। तो कल आप सभी इस गाने को अपना खूब सारा प्यार दीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये गाना भी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने पावर स्टार के एक और नई फिल्म का ट्रेलर आप सभी के बीच रिलीज किया गया है, जिस दोस्तों फिल्म का नाम है बेवफा सनम। दोस्तों पावर स्टार की वही फिल्म है जिसको लंदन में शूट किया गया था। दोस्तों बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर ठीक ठाक ही है, जैसे दोस्तों लंदन की ज्यादातर फिल्मों का हाल होता है, ये फिल्म भी लगभग उसी तरीके की होने वाली है। दोस्तों इस ट्रेलर में आप सभी को कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों किसी पुरानी फिल्मों की कहानी को लेकर के इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही दोस्तों इसकी कहानी में कोई दम है, ना ही इस मूवी का BGM अच्छा है। बात करें दोस्तों गानों की तो गाने भी उतने अच्छे नहीं है, ऑलमोस्ट काम चलाने वाले गाने भी इस फिल्म में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म से अपनी ज्यादा उम्मीदें मत ही रखिएगा। वैसे भी दोस्तों ये फिल्म आप सभी को फ्री में देखने को मिलने वाली है जियो सिनेमा ऐप पर। आप सभी को पता ही होगा कि जियो स्टूडियो की एंट्री हो चुकी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दोस्तों अब जियो सिनेमा पर आप सभी को एक से बढ़कर एक नई भोजपुरी फिल्में फ्री में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों दिनेश लाल यादव की फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी को रिलीज कर दिया गया है, जिसको दोस्तों ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि 24 मई को ये फिल्म भी आप सभी को फ्री में जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अपने पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।